एक बार भगवान इंद्र सभी किसानों से नाराज हो गए। उन्होंने घोषणा की 12 वर्षों तक कोई बारिश नहीं होगी और किसान खेती नहीं कर पाएंगे। किसानों ने दया की गुहार की। भगवान इंद्र ने कहा, बारिश तभी होगी जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। किसी को ये बात नहीं पता थी कि उन्होंने भगवान शिव को पहले ही किसानों के अनुरोध को पूरा न करने के लिए कह दिया था। जब किसान भगवान शिव के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि वे अपना डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजाएंगे। निराश किसानों के पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जबकि कई असहाय और गुस्से में थे। एक किसान नियमित खुदाई करता, बीज रोपता और मिट्टी में खाद डालता। बाकी किसान उसका मजाक उड़ाते, पर इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 3 वर्षों के पश्चात सभी किसान आपस में मिले और उससे पूछा, तुम अपना समय और ऊर्जा बर्बाद क्यों कर रहे हो, जबकि तुमको पता है कि 12 वर्षों तक बरसात नहीं होने वाली है। उसने कहा, मुझे पता है कि फसल बिना बारिश के नहीं उगेगी, लेकिन अगर मैंने खेती छोड़ दी तो मेरा अभ्यास छूट जाएगा और मैं प्रक्रिया ही भूल जाऊंगा। माँ पार्वती ने इस किसान का तर्क सुना और भगवान शिव से कहा, 12 वर्षों के बाद शायद आप भी डमरू बजाना भूल जाएंगे। भगवान शिव ने घबरा कर अपना डमरू उठाया और उसे बजाने लगे। डमरू की आवाज के साथ ही बारिश शुरू हो गई। सभी किसान चकित रह गए, वे तैयार ही नहीं थे। वो किसान जो लगातार अपने खेत पर काम करता रहा था, उसकी खेत में फसल उग आई, वो उत्साहित हो उठा। याद रखें, आप बाहरी कारणों को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर इससे आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए वो करते रहें जो आपको करते रहना चाहिए। जब भी आपका मन SIP को बंद करने का होने लगे तो याद रखें कि आपने निवेश करना शुरू क्यों किया था। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतरता रखें, अनुशासित रहें और प्रतिबद्ध रहें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें।